डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ये चीज जो है ये ब्लाइंड फोल्डिंग से टेस्ट होती है। मैंने जो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद कैलकुलेट में हमने PLS एल्गोरिदम को देखा कब यूज करते हैं। जहाँ हमें लोडिंग वगैरह चाहिए मेजरमेंट मॉडल के लिए, बूटस्ट्रैपिंग के लिए हमें जो है वो सिग्निफिकेंस चाहिए उन सारे चीजों के लिए, और फिर ब्लाइंड फोल्डिंग के लिए प्रिडिक्टिव रेलेवेंस और इस फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं, और इन चीजों को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं। और ये भी एक अलग अपनी दुनिया में, ये एक अलग चीज है। मैंने अपना जो काम अभी किया हुआ फिलहाल एक पेपर जो है वो ऑलरेडी IPMA के ऊपर किया हुआ है, तो ऑन दिस टेक्निक, तो ये दिस इज ऑल्सो वंडरफुल। अब इसमें और भी बहुत सारी एक एक चीज अब बड़ी है, लेकिन फिलहाल अभी ब्लाइंड फोल्डिंग तक ये चीज बेसिक जो है एल्गोरिदम है जो हमें इस्तेमाल करके हम अपना काम करना। तो ये एल्गोरिदम मैंने वो एक्सप्लेन किया। अब इसमें प्रेडिक्टिव रेलेवेंस इज ऑफ एक्सोजेनस कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट है कि एक्सोजेनस कंस्ट्रक्ट जहां से एरो निकल रहे हैं, ठीक है। अब नाउ इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड कि EX मींस एरो, और अगर आप ई और एक्स के दरमियान अगर गौर से देखें तो व्हाइट एरिया है वो बिल्कुल एरो की शेप है। अगर आप एक्स की शेप देखें गौर से EX, तो वो एग्जैक्ट खुद बखुद आपको बताता है कि एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट साइड। सो इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ब्लाइंड फोल्डिंग प्रोसीजर। तो ब्लाइंड फोल्डिंग यानी एवरी nth डेटा इन द एंडोजेनस कंस्ट्रक्ट इंडिकेटर इज ओमिटेड। कोई एक जो है वो अब उसको ओमिट करेंगे, ओमिट करके हम दोबारा आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो उसकी पिक्चर लेते जाएंगे। ये भी बहुत जरूरी है। डेरिक ऑन के जो पेपर है, डेरिक ऑन की जो वीडियो है उसमें उन्होंने बहुत एहतियात से बताया आपको, तभी मैंने वहां रखी। उसमें बताया कि इन सबको जो जो वेरिएबल अगर आप इनको निकालते जा रहे हो, आर स्क्वायर कैलकुलेट करते जाते हैं, प्लीज उसकी पिक्चर संभाल के रखें, वरना आपको पता नहीं चलेगा क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है। और फिर यहाँ पे कोड भी किया हुआ है कि चेन का 1998 का सेकंड पेपर इन दैट ईयर, हेंसलर का पेपर और टेनहाउस का पेपर जो है, ये सारे पेपर हैं। तो प्रेडिक्टिव रेलेवेंस की वैल्यूज फॉर सर्टेन एक्सोजेनस कंस्ट्रक्ट का मॉडल में 0.02, 0.15, 0.35, ये एफ एफ की वैल्यूज हैं एक्चुअली, एफ स्क्वायर की। और फिर ये स्मॉल मीडियम और लार्ज उसको क्यू स्क्वायर को, एफ स्क्वायर, ये इफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे प्रेडिक्टिव रेलेवेंस जो है ना ये क्यू स्क्वायर है, लेकिन क्यू स्क्वायर में एफ स्क्वायर का अमल दखल जब लेके आना हो तो डेफिनेटली उसको वो एफ, यहाँ पे इफेक्ट साइज को वो क्यू स्क्वायर कह रहे हैं। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस ये है, विद इन क्यू स्क्वायर स्मॉल क्यू स्क्वायर इज द इफेक्ट साइज। लेकिन सिर्फ क्यू स्क्वायर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद किसी और चीज को डिस्कस करेंगे तो सिर्फ एफ स्क्वायर इज द इफेक्ट साइज। तो ये जरा समझना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें ये है एट ऑल ऑफ फॉर्नर लार्क और चाम है, जो उन्होंने फॉर्नर चाम है जो ये है वो 1994 में ये डिस्कस किया है, एट ऑल का पेपर 2014 में। इफ एस्टिमेट्स आर नॉट टू फार ऑफ फ्रॉम अबव वैल्यूज, अबव वैल्यूज नॉट टू फार ऑफ फ्रॉम अबव वैल्यूज देन इट इज इंडिकेटेड टू हैव प्रेडिक्टिव रेलेवेंस। ये रेलेवेंस है, सिर्फ इतनी सी बात है, और ये इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट करने का तरीका जो है ना थोड़ा लंबा है, इसलिए वो आमतौर पे अवॉइड किया जाता है कि वो रिसर्च पेपर में खासतौर पे, ये रिसर्च में जाता है वो भी लोग करते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर के अंदर वो शामिल है। ओके, एफ स्क्वायर इफेक्ट साइज, मैं यहाँ पे आया था, मैंने कहा था कि एफ साइज क्या है। देखिए इसमें बड़ा सिंपल है, आप एफ स्क्वायर इफेक्ट साइज को पहले से मान के अपने एनालिसिस में चलते हैं और चलना चाहिए, ठीक है। और वो चलने के लिए आपको सारी चीजें डिफाइन होनी चाहिए, तो तब आप एफ स्क्वायर एफ को चलते हैं। तो मैं इसको आमतौर पे एफ स्क्वायर को जब भी इफेक्ट साइज की बात आती है तो मैं इसको, उर्दू का एक लफ्ज है, मैं उससे इसको सिनोनिमस कंसिडर करता हूँ अपने दिमाग में, और वो है बारीक बीनी। मैं फिर इसको मैं दोबारा कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, बारीक बीनी। तो बारीक बीनी, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा जरा सा स्लाइटली फर्क भी नजर आए, या जिससे डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ जरा सी चेंज भी नजर आए, वो मुझे नजर आनी चाहिए। इतना सेंसिटिव डेटा है, ड्यू टू नेचर ऑफ माय डेटा डिपेंड करता है कि मैं किस फील्ड में, फिलहाल तो भाई मेडिसिन की बात हो रही है तो मैं उधर इफेक्ट साइज जरा डिफरेंट रखने की बात करूंगा। मैं अगर ह्यूमन बींग से इन्वॉल्व है तो मेरा इफेक्ट साइज डिफरेंट होगा, मैं अगर कोई और चीज पे काम कर रहा हूँ तो मेरा इफेक्ट साइज डिफरेंट होगा, मैं अगर सेकेंडरी डेटा पे काम कर रहा हूँ तो इफेक्ट साइज डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि इनएनिमेट है। इनएनिमेट का मतलब है कि वो जीती जाती जिंदगी नहीं है, वहां पे इफेक्ट साइज बहुत ज्यादा डीप आने नहीं चाहिए, लेकिन टाइम सीरीज में कहीं कहीं वो डिपेंड करता है कि बहुत ज्यादा स्लाइट चेंज भी जो है, बहुत सारा स्ट्रक्चर या शेप ऑफ दी कर्व जो है वो चेंज हो जाता है, या बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो इस वजह से वो डिपेंड करता है कि इफेक्ट साइज क्या रखता है। तो मैं इसको बारीक भी नहीं कहता हूँ, वो डिपेंड करता है आप काम किस नेचर का कर रहे हैं, ये बहुत समझना जरूरी है। तो इफेक्ट साइज में जब आप रखते हैं तो ये कोहेन डीज, इसको कोहेन डी कहते हैं, कोहेन का बुक है बहुत जबरदस्त, तो कोहिन ने ये फॉर्मूला जो है वो डिफाइन किया था। और वो फॉर्मूला अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं इसको,
लेकिन ये फॉर्मूला बहुत दिन से मतलब इतना करीब भी नहीं है, लेकिन ये उन्होंने दिया तो इसको कोहिन्स डी कहते, तो कोहिन्स डी स्मॉल डी, और जो महलनोबिस का था वो कैपिटल डी है जो आउटलायर्स के लिए। तो इस कोहिन डी के वैल्यूज को, ये तीन स्टैंडर्डाइज वैल्यू आमतौर पर कंसिडर होती हैं जिसको स्मॉल कहते हैं, 0.02 यानी बहुत ही बारीक भी नहीं, ये मोतदल बारीक भी नहीं, और कोई बात नहीं बड़ा भी ये चेंज आ रहा है तो उसको इग्नोर कर सकते कोई नहीं। और ये कोहिन 1998 के पेपर में, दिस इज वन ऑफ द फेमस बुक है, सॉरी नॉट पेपर है, ये बुक है, तो ये उसमें ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया हुआ। तो ये इफेक्ट साइज का ये बहुत जरूरी है, और इसका ये ख्याल रखिएगा हर इफेक्ट साइज हर स्टडी में नहीं चलता, लेकिन एक चीज और, अगर मीडियम मान के आप तकरीबन हर स्टडी में फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, ये कोहिन का अपना भी कहना है। तो लिहाजा ज्यादातर लोग जो है 0.5 रख के कैलकुलेट करते हैं, और 0.15 को रख के कैलकुलेट करते हैं, दैट इज फाइन, ठीक है, और या इस क्राइटेरिया से इवेलुएट कर लेते हैं, 0.15 रख के कैलकुलेट करते हैं। मैं आमतौर पर सैम्पल साइज जो है वो जी पावर सॉफ्टवेयर है, मैं उससे इस्तेमाल करता हूँ, और यूनिवर्सिटी स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी या जर्मनी की, उनके प्रोफेसर ने ये सॉफ्टवेयर बनाया और रिसर्चर्स के की तरफ से, और रिसर्चर के लिए है, तो मैं उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता हूँ। और मेरा हमेशा से यही कहना था, आपको याद होगा मैंने पहले भी बोला था कि मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स में हर टेक्निक के हिसाब से सैम्पल साइज का फॉर्मूला वो नहीं लगता जो हम बचपन में पढ़ते हैं, कोट अनकोट बचपन में स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर टेक्निक के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये सॉफ्टवेयर उस बात का प्रूफ भी है, उसका मैनुअल उस बात का प्रूफ है। तो उसके अंदर एफ साइज जो है आप डिफाइन करते हैं, खुद एंटर करते हैं कि आपने क्या एफ साइज रखना, उससे सैंपल साइज चेंज हो जाता है। तो दैट्स वाई कितना बारीक बीनी से देखते हैं, बड़ा आसान है, जब बहुत ही बारीक बीनी से देखना हो तो सैंपल साइज ज़्यादा चाहिए होगा, जब बहुत ही ज़्यादा सरसरी तौर पर देखना हो तो फिर सैंपल साइज कम भी चल जाएगा। तो यू नो दिस इज द कॉन्सेप्ट, जो इसका रिलेशनशिप है, मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, ज़्यादा इसके पीछे पूरी वो फिर अंग्रेजी भी है व्हाटएवर, लेकिन दिस इज जस्ट द इफेक्ट साइज। तो कहने का मतलब इफेक्ट साइज आप इन तीन वैल्यूज में से भी इवेलुएट कर सकते हैं कहाँ है, लेकिन आमतौर पर लोग 0.15 को रख के मद्देनजर रख के आपके काम करते हैं। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, बूटस्ट्रैपिंग मॉडल सेम मॉडल इमेज एज री रन ऑफ द बूटस्ट्रैप में चेंज होगा। बूटस्ट्रैप मैंने एक किया एग्जाम्पल, मैं बूटस्ट्रैप अगर दोबारा रन करूंगा तो मेरे बूटस्ट्रैप वैल्यू तब्दील यहाँ डेसिमल में आ सकती है या नहीं आ सकती, डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे वेरिएबल एंट्री करूँ, कोई एक वेरिएबल रिमूव करूंगा रन करूंगा, तो इस तरह की चेंजेस में आमतौर पे बूटस्ट्रैप की वैल्यूज चेंज हो सकती है। तो लिहाजा जैसी वैल्यू आए उसको सेव कर लें, कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे मैं दोबारा कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएंगे, कोई एक आइटम डिलीट करूंगा आइटम दोबारा एंटर करूंगा तो मेरी वैल्यूज बूटस्ट्रैपिंग की चेंज हो जाएंगी। तो लिहाजा जो भी है उसकी पिक्चर जरूर लेते जाएं ताकि आपको आसानी हो और आप सही तरह से जस्टिफाई कर सकें। ओके, बूट स्ट्रैपिंग की बात हो रही है, फिर 5000 टू 10000 सब सैंपल्स ले, सिग्निफिकेंस लेवल जो है 0.1 से फॉर टू टेल जो है लेवल टू 0.1 कर दें, ठीक है। जेम गैस्केन इसको 0.05 पे भी कैलकुलेट करता, वीडियो में आपको देखता हुआ वहाँ पे कैलकुलेट करता हुआ नजर आएगा, कोई बात नहीं, ही कैन डू दैट, लेकिन वो रीजन भी एक्सप्लेन करता, कोई बात नहीं पता। आफ्टर कैलकुलेशन कॉपी एंड पेस्ट द मॉडल इन स्टडी, और फिर वो मॉडल भी बूट स्ट्रैपिंग वाला मॉडल भी पेस्ट करना होगा आपको। स्मार्ट PLS में कैसे चेक करेंगे, फाइनल रिजल्ट पाथ कोफिशिएंट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग के पाथ कोफिशिएंट नजर आएंगे। ओके चले चलते हैं अभी जाकर देख लेते हैं, ठीक है, पाथ कोफिशिएंट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये बूटस्ट्रैपिंग आ गया, ठीक है, पाथ कोफिशिएंट, ठीक है, आई एम सॉरी, पाथ कोफिशिएंट फाइनल रिजल्ट में पाथ कोफिशिएंट, और पाथ कोफिशिएंट में ये दोनों के दरमियान जो है दिस वैल्यू इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, और ये यहाँ कहाँ से पता चल रही है, मुझे यहाँ से भी इसमें से पता चल रहा है, और ये कहाँ से मुझे पता चला, ये मेरी प्रेजेंटेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाली चीज पढ़नी है आपने, फाइन, तो दिस इज व्हाट यू कैन रीड। सो यहाँ पे आ गया, फिर देन ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज एल्स इज सिग्निफिकेंट, पी वैल्यूज में देख सकते हैं और यहाँ पे वैल्यूज भी देख सकते हैं जो टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यूज है, ये वो मॉडल में दिखा रहा है एग्जैक्टली, और यही पी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो दिस इज समथिंग जो ऑलरेडी हमने उसको समझ लिया। ओके, नाउ विल मूव ऑन, इस टेबल में ये जो टेबल है इसी को थोड़ा डिटेल के ओरिजिनल सैंपल क्या है और ये सब, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और खास तौर पे आप रिलेशनशिप का साइन कैसे पता चलेगा आपको, वो सब चीजें ना।
अच्छा ये ओरिजिनल सैंपल जो है सर जी, ओरिजिनल सैंपल में तो सर वो जो बूटस्ट्रैपिंग से पहले वाला जो रिजल्ट था वो ये ओरिजिनल सैंपल में तो दिस इज व्हाट आई जो मैं समझ पाया हूं, हो सकता है मेरी इतनी ज्यादा समझ ना हो, मैं भी आई वुड लाइक टू लर्न। सो तो इसमें जो ओरिजिनल सैंपल का जो रिजल्ट था वो ऑलरेडी जो यहाँ पे कैलकुलेट होके आया कि बूटस्ट्रैपिंग से पहले, फिर सैंपल मीन जो हमने हर मर्तबा जो सैंपल लिया, हर मर्तबा हर एक का जो सैंपल मीन लिया, उसमें जो हमने बूटस्ट्रैपिंग के बाद जो हर एक का सैंपल आया उसमें जो डिफरेंस आया, जो इम्प्रूव हो गया, अगर आप देखें गौर से तो इसमें चीजें जो है वो इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन, जो स्टैंडर्ड इसको अगर स्टैंडर्ड डिविएशन हर एक के पीछे जा रहे क्योंकि मीन वैल्यू आई है तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट करनी होगी। फिर इसके दरमियान पर जाहिर है वो आपको अभी भी पता है कि टी स्टैटिस्टिक्स में, फिर वो स्टैंडर्ड डिविएशन में टी स्टैटिस्टिक्स में जो फॉर्मूला लगता है, और यहाँ पे देखें ऑलरेडी अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि ओ ओरिजिनल सैंपल डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन का, फिर उन्होंने टी स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट किया और वो जो कैलकुलेट करने के बाद फिर उसको पी वैल्यू में कन्वर्ट किया। और अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मैं फिलहाल जो एक चीज है कि आमतौर पर स्टूडेंट भी एक सवाल करते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर ये समझ नहीं आया कि मिसाल के तौर पे ये 2.83 पे भी सिग्निफिकेंट है और ये 3.25 पे भी सिग्निफिकेंट है, ये 6.529 पे भी सिग्निफिकेंट है, और आप एक और बात भी कर रहे थे और वो बात ये थी कि सर वो जो आपने बात की थी एक और के ये जो 28 के ऊपर भी सिग्निफिकेंट आपने बोला, 15 पे भी बोला, सर ये कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिससे पता चलेगा सिग्निफिकेंट है, कौन सी वैल्यू पे मैं टी वैल्यू पे बोलूंगी सिग्निफिकेंट है? यस, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वो ये है कि एक्चुअली जब ये सारी प्रॉब्लम आप यू कैन नॉट आइडेंटिफाई एफ टेस्ट में और टी टेस्ट में और जी टेस्ट में, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी वैल्यू है जो सिग्निफिकेंट है, आप नहीं कह पाते। तो फिर स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया कि इसको कोई ऐसी वैल्यू में लेकर आओ कि जिससे कम से कम डिफाइन करने के लाइक हो, वट एवर द टी वैल्यूज, जो भी वैल्यूज, और उसको फिर प्रोबेबिलिटी वैल्यूज में कन्वर्ट किया, और जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज में फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट किया तो देन इट इज रीडेबल इररिस्पेक्टिव कि टी की कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू है। फिर सारे स्टैटिस्टिशियन ने एस्टैब्लिश किया कि जी ये पी वैल्यूज को अगर हम 0.05 से अगर हम कम कंसिडर करते हैं, अगर 5% अल्फा वैल्यू रखें तो फिर उससे जो कम वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है, और नहीं फिर ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बन गया। तो दिस इज वट The concept. So, ये जो मेरी मुझे समझ में आया वो यही है। If you want to add something on it, मैं add कर दूँ थोड़ा सा क्योंकि बड़ी important है ये आपका results में भी ये table है। तो एक तो खैर आपने इसमें दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो relationship की strength क्या है जो कि आपकी p value से या t stat से निकल जाती है। By the way एक चीज समझा, p value और t एक ही चीज है, यानी कि 1.96 means 0.05। ठीक है जी सर। तो इतना भी 1.9 से ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू जो है 0.05 से कम होगी। तो अगर आपने वो रिसर्च में पढ़ा होगा एच नॉट और एच वन, तो एच नॉट रिजेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि पी वैल्यू 0.05 से कम हो, तो और वो चीज होती है जब 1.96 टी से ज्यादा हो। तो हम ये देख रहे होते हैं टी से तो 1.96 से ज्यादा 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, वो सारी जो है वो आपकी 0.00001 पी वैल्यूज आ जाएंगी उसकी। तो ये क्राइटेरिया तो ये है कि आप इसकी पी वैल्यूज को देखें, अगर 0.5 और कभी कभी 0.10 0.1 से भी 0.051 के दरमियान भी होती है तो वो भी चल जाती है कुछ केसेस में, तो पी वैल्यू एक तरीका होता है। अच्छा पी वैल्यू क्या मालूम होती है, ये स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेरिएबल है CX सेट का जो है लॉयल्टी पे, मेरे ख्याल से कस्टमर सेटिस्फेक्शन की लॉयल्टी पी वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी कि बिकॉज इसकी टी वैल्यू हाई है तो पी वैल्यू जो है टी स्टेट्स आया है तो पी वैल्यू आप देखें 0.000 समथिंग आ रही है, तो दैट मीन सिग्निफिकेंट। अच्छा तो अब यहाँ पे तो आपकी ये मालूम होता है कि आपकी रिलेशनशिप स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो उसका अफेक्ट लॉयल्टी पे कितना पड़ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। अच्छा दूसरी चीज जो आपको देखनी होती है वो साइन ऑफ द रिलेशनशिप देखनी पड़ती है, जो कि ओरिजिनल सैंपल जो है दिस इज कॉल्ड एस्टिमेट्स। आप ओरिजिनल सैंपल से देखें तो आप ये देखें ओरिजिनल सैंपल के साइंस पॉजिटिव हैं, तो आप इसको ये जरूर देखें कि आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में जो आपका हाइपोथेसिस है उसका साइन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हाइपोथेसिस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज पॉजिटिवली
and significantly affecting the loyalty, so you have the sign should be matched. यानी कि जो ओरिजिनल सैंपल का जो साइन है अगर वो पॉजिटिव है और आपका हाइपोथेसिस भी पॉजिटिव है तब जारी बात है आपका हाइपोथेसिस सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, ठीक. अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं. ये एक तो ये कि साइन मैच हो रहा हो लेकिन आपकी पी वैल्यूज कम है, तब भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. जारी बात है सैंपल टू सैंपल होता है, यानी आप ये कह सकते हैं यू आर फेल टू रिजेक्ट द आप ये कह सकते हैं कि रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट है. ठीक है ना, क्योंकि आपकी पी वैल्यू ज्यादा है. इससे हम ये नहीं कह सकते कि आपकी ये थ्योरी गलत हो गई या कुछ और हो गया. हम ये कह रहे हैं कि हमारे सैंपल से जो है ये इफेक्टिव नहीं सपोर्ट हुआ. तो लेकिन जब अगर प्रॉब्लम आती है जब साइन आपका नेगेटिव आ जाए और वैल्यू सिग्निफिकेंट आ जाए, अमूमन जब आपका पी वैल्यूज बहुत ज्यादा आ जाती है यानी कि 0.89 आ जाती है तो फिर साइन का बिल्कुल एतबार नहीं रहता, वो नेगेटिव भी आ जाता है. लेकिन क्योंकि आपकी पी वैल्यूज बहुत ज्यादा हो गई है तो वो क्रेडिबिली नहीं रहता, यानी कि वो जो आपने रिलेशनशिप निकाली है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो फिर वो साइन वगैरह नहीं देखते. अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी थ्योरी कह रही है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन का इफेक्ट लॉयल्टी पे पॉजिटिव है, जबकि आपके पास रिजल्ट आया है ओरिजिनल सैंपल में वो उसका साइन नेगेटिव है और पी वैल्यू जीरो है. ठीक है ना, तो यहाँ पे तो एक नई थ्योरी ईजाद हो गई है अब. यानी ये कह रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नेगेटिवली एंड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट लॉयल्टी. अच्छा, यहाँ पे जरा प्रॉब्लम हो जाती है. अच्छा, इस तरह का केस है देन इफ यू आर राइटिंग अ पेपर और उसके अंदर इस तरह का केस आ गया, देन यू हैव टू सपोर्ट एन ऑल्टरनेटिव थिंग कि इसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी रीजन देना जरूरी है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी खतरनाक बात है कि आपकी एक थ्योरी जो है वो अल्टर हो गई और सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा है. ये कम खतरनाक बात है कि थ्योरी जो अल्टर हो या ना हो लेकिन सिग्निफिकेंट रिजल्ट कम आ रहा है, वो डिफेंड करना आसान है, लेकिन ये चीज डिफेंड करना काफी मुश्किल है. तो इसलिए जो है ना ये जरा साइंस बड़ा जरूरी है देखना, ये जो ओरिजिनल सैंपल का साइन है या जो सैंपल का साइन है आप ओरिजिनल सैंपल से देखें, वो साइन जो है आपकी थ्योरी के हिसाब से होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो सारा रिजल्ट आपका सारा रिसर्च जो है इस पर ऑल्टर हो जाएगी. तो साइन आपका थ्योरी के हिसाब से और सिग्निफिकेंट, अगर तो सिग्निफिकेंट नहीं है और साइन थ्योरी के हिसाब से, देन यू कैन हैव अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन कि ठीक है कि आपका सैंपल में है या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं जहाँ पे स्टडी हुई या वहाँ पे ये हो सकता है ये सब. लेकिन अगर साइन नेगेटिव आ जाए तो आपको सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. मे बी यू आर, मैं ये भी कह सकता हूँ कि यू आर ऑल द वे स्टार्टिंग अ न्यू थ्योरी, ये भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत है. तो ज़रा साइन बड़ा ज़रूरी है इसको देखने का ना. तो बस मैंने थोड़ा सा इसको होल्ड इसलिए कराया था. थैंक यू, दैट्स गुड, दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच. इसमें एक और चीज, मैं एक चीज और भी थोड़ा सा आप ही की बात को थोड़ा सा और मजीद बेहतर करने के लिए, और इसे ये भी हो सकता है यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल लाइक से यहाँ पे अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें तो लेट्स टॉक अबाउट हाईलाइट्स पाथ्स और इसमें रिलेटिव वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यूज. ये देखें एब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू, मैं रिलेटिव वैल्यू लेता हूँ, और ये देखें जो सर ने अभी बात की कि जो रिलेशनशिप स्ट्रांग है, कैन यू सी दैट, उसका आपने देखा कि वो स्ट्रांग अगर सर ने बोला था वो कैसा स्ट्रांग है, नजर आ गया आपको फॉरन ही वही बात सर की सब्सटैंशिएट करने के लिए, मर्द सर की बात करने के लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई नजर आ रहा ना आपको सर? ये ऑप्शन दोबारा बता दें. कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो. सबसे पहले तो कैफे अब देखें यहाँ पे, सबसे पहले तो अपने मॉडल में आइए, मॉडल में आने के बाद ये खुद ब खुद यहाँ पे इंडिकेटर से तब्दील होके वो कैलकुलेशन रिजल्ट में आ जाए. ठीक है, जब कैलकुलेशन रिजल्ट में आएगा हाईलाइट्स पाथ में आ जाए, हाईलाइट्स पाथ में आके आप उसे यूज रिलेटिव वैल्यूज को अगर आप कर लें तो ये आपको वही जो सर ने अभी जो एग्जैक्टली बात एक्सप्लेन की वो आप फिजिकली भी और विजुअली भी देख सकते हैं, और आप ज्यादा बेहतर तौर पर इसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है ना, तो ये आप उसके रिस्पेक्ट जितनी थिकनेस ऑफ दी वो है वो उसके हिसाब से वो उतना ही वो स्ट्रांग आपको नजर आएगा. तो कंपेरेटिवली सर ने चूंकि इस वैल्यू की बात की थी ज्यादा स्ट्रांग है तो वो उसकी थिकनेस ज्यादा है. इसी तरह से यहाँ लोडिंग में भी देख सकते हैं कौन सा वाले की थिकनेस ज्यादा है, तो ये क्वालिटी वन का जो भी अंग्रेजी है उसका बहुत ज्यादा असर इस पे वेरियंस है या वट एवर जो वैसे भी आपको नजर आ रहा है वैसे भी. तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो उसमें आप देख सकते हैं, दिस इज अनदर एरिया फॉर यू. ठीक है, गुड. And thank you, sir. Thank you for providing the input, sir. Thank you very much. आगे चलते हैं जी. So bootstrapping में इसी तरह से confidence interval में भी आप वहाँ पे quote करते हैं बाद का confidence interval में वो जो value आती है कि जी बीच में zero नहीं आना चाहिए, ये भी एक statistics का है.
कि पाथ कोफिशिएंट में कॉन्फिडेंस इंटरवल में चलते हैं, पाथ कोफिशिएंट में कॉन्फिडेंस इंटरवल में, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम आए थे बूटस्ट्रैपिंग में और कॉन्फिडेंस इंटरवल में। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम ये देखते हैं कि यार इन दोनों वैल्यूज के दरमियान जो है एक जीरो तो नहीं आ रहा, ठीक है, और इसके दरमियान माइनस से शुरू हो रहा है और पॉजिटिव जा रहा है, तो दरमियान में जीरो आ रहा है और ये सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये यहाँ से बात भी प्रूव हो रही है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, पी वैल्यू से भी प्रूव हो रही है। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये भी एक पढ़ने का तरीका है, और के कॉन्फिडेंस इंटरवल में 5% कॉन्फिडेंस यानी लोअर कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस एंड हायर कॉन्फिडेंस, या इसको लोअर कॉन्फिडेंस या हायर कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं, लाइक एस सी आई एंड लो सी आई एल सी आई, तो वो उसके हिसाब से दरमियान में जीरो की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये भी एक और तरीका होता है मालूम करने का कि आपकी चीज़ें सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, ठीक है, और दिस इज अनदर वे। और इसको कैसे दायर किया, मैं बूटस्ट्रैपिंग में गया, बूटस्ट्रैपिंग में दायर पाथ कोफिशिएंट मैंने लिया हुआ था, पाथ कोफिशिएंट में मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन से अपने वो बात चेक की और यहाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। अब ये बायस करेक्टेड एरर इसको भी देख सकते हैं, फिर और भी दूसरी चीज़ें, लेकिन फिलहाल अभी जितनी कम पी वैल्यू होगी जितना ज्यादा टी स्टेट्स होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही छोटा होगा। तो अब आप ये देखें जिसकी पी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है या टी की बहुत कम हो जाती है तो वो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है कि जीरो भी उसमें शामिल हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली 5% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला जाता है, तो जितनी ज्यादा अगर वैल्यू होगी तो 95 और 5 के बीच में जो 5% प्लस और माइनस जो है उसकी वेरिएशन यानी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जी सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, और ये ऑलरेडी रिपोर्टिंग फॉर्मेट है जिसका मैंने बताया था कि एफ स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो है वो उसको कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ कि वो असेसिंग आर स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो ये उसकी रिपोर्टिंग फॉर्मेट, और यहाँ पे पेपर सारी वैल्यूज भी लिखी हुई है और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वो क्या क्या है, उनका क्या क्या वैल्यू है और किस तरह से कैलकुलेट हुआ। कंस्ट्रक्ट वन टू कंस्ट्रक्ट टू, कंस्ट्रक्ट एच टू हाइपोथेसिस मेरा ये वाले कंस्ट्रक्ट का, स्टैंडर्ड बीटा एरर, स्टैंडर्ड एरर क्या है, आप टी वैल्यू क्या थी और किस लेवल के ऊपर सिग्निफिकेंट है, 0.01 पे है या 0.05 पे है। तो फिर उसके बाद डिसीजन, फिर एफ स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 95%, और फिर लो कॉन्फिडेंस इंटरवल अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो वैल्यूज क्या है, लाइक देयर आर डिफरेंट जो तरीका है सपोर्टिंग फॉर्मेट का वो ये है। फाइन, अब चलते हैं आर स्क्वायर को असेस करने का। तो ये तो आर स्क्वायर इज लाइक रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वेरियंस ओनली इन एंडोजेनस, ओनली इन एंडोजेनस, जो एंडोजेनस है जहाँ पे एरोज आके एंड हो रहे हैं। कंस्ट्रक्ट एक्सप्लेन बाय ऑल एंडोजेनस कंस्ट्रक्ट लिंक टू इट, यानी ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू है ये जाहिर होते हैं एंडोजेनस पे, लेकिन किस वजह से होते हैं वो जाहिर है कि सारे एक्सोजेनस कंस्ट्रक्ट की वजह से वो आमतौर पर होता है, क्योंकि सारा इंटरेक्शन या वेरियंस या उनका कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरियंस जो है वो उसमें जो रिप्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक्सोजेनस को। आर स्क्वायर की रेंज 0 से 1 ये ऑलरेडी सब लोगों को पता ही है, विद हायर वैल्यूज इंडिकेटिंग हायर लेवल ऑफ प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी, ठीक है। अगेन प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी के लिए आर स्क्वायर की वैल्यू है। थंब रूल क्या है, आर स्क्वायर 0.25 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.25 वीक है, फिर 0.50 इज मॉडरेट एंड 0.75 इज सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल को बहुत शक के निगाह से देखा जाता है, तो दिस इज ओनली अ रफ गाइडलाइन, ख्याल रखिएगा। आर स्क्वायर वैल्यूज डिपेंड ऑन डिसिप्लिन फील्ड ऑफ स्टडी, ये मिसाल के तौर पर किस फील्ड में कर रहे हैं, सोशल साइंसेज में इवन 0.4 तक भी कंसिडर जो है वो मॉडरेट हो, या उससे कम भी हो, वीक टू मॉडरेट हो, तब भी बहुत अच्छा कंसिडर होता है। और खास तौर पे किसी मेडिसिन को चेक कर रहे हो या किसी डिजीज को चेक कर रहे हो, उसके अंदर आर स्क्वायर इवन 0.75 समटाइम्स इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज बहुत ही क्रूशल या वाइटल है उसके डिजीज का पता करना या उसकी रिसर्च का बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल ऐसी है कोरोना की जो वैक्सीन है और उसके अंदर कोई अगर चीज़ टेस्ट हो रही हो और उसका आर स्क्वायर 0.75 हो तो लिटरली वो उठा के खिड़की से बाहर फेंक देंगे, तो बोलेंगे ये क्या बात है, ये तो कोई बात ही नहीं, इवन सब्सटेंशियल हमारे स्टाफ से मेरी स्लाइड के हिसाब से है, लेकिन कोरोना के केस में या किसी खास डिजीज के ट्रीटमेंट के केस में तो इवन 0.75 इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स ऑन, ये एक सिर्फ एक रफ गाइडलाइन है, आपको सिर्फ बताया है कि कम वैल्यूज का मतलब मॉडरेट और सब्सटेंशियल, अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन डिसिप्लिन एंड द फील्ड ऑफ स्टडी। ये बहुत जरूरी है, कई स्टूडेंट्स परेशान होते हैं जो प्राइमरी रिसर्च कर रहे होते हैं और प्राइमरी रिसर्च करके वो कन्फ्यूज ये होते हैं कि सर मेरा आर स्क्वायर वैल्यू जो है वो कम आया 0.4, तो दूसरों का तो बहुत ज़्यादा आ गया। नो, डिपेंड करता है, अगर आप ह्यूमन बींग, मैं इस तरह इसका आसान लूंगा, जहाँ ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हैं 0.5 0.6 तक आर स्क्वायर इज वंडरफुल,
इससे ज्यादा जो है ना वो शक की निगाह से देखा जाता है कि यार आई डोंट नो वो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन नहीं है, वेरिएंस नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं। सो दिस इज द केस। और ये प्रॉब्लम अक्सर लोग कहते हैं ये बात, पहली बात तो ये देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल है तो कोई है ही नहीं इसका ना। और बेसिकली क्या है, आर स्क्वायर इज बेसिकली द के जो आपके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कितना कितने जो है वो प्रेडिक्टर डिपेंडेंट वेरिएबल को या एंडोजेनस को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ऐसा वेरिएबल है जिसको थियोरेटिकली 1000 वेरिएबल एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपने आप मॉडल में 3 या 4 वेरिएबल लिए हैं, अगर उसका आर स्क्वायर 20 भी आता है, 0.2 आता है या 0.3 आता है, तो दैट मीन्स के दीज 4 वेरिएबल्स इज एक्सप्लेनिंग 30% ऑफ द वेरिएशन, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर है जहाँ पे आपके 3 या 4 वेरिएबल ज्यादा हो ही नहीं सकते, जैसे आपने मेडिसिन की बात की, तो उसमें अगर आर स्क्वायर 80% भी आएगा तब भी ये समझा जाएगा कि नहीं ये जो एरर्स है ये बहुत ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका खासतौर पर सोशल साइंस के अंदर, क्योंकि एक ह्यूमन बिहेवियर को या इकोनॉमी में जो है आपका फाइनेंशियल बिहेवियर जो होते हैं वो उसमें देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल जो अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से कम जो आर स्क्वायर आता है वो भी कोई बुरा नहीं है, मतलब अच्छा है। और बहुत ज्यादा अगर आ जाता है तो फिर वो डेटा में कुछ प्रॉब्लम हम सोच रहे होते हैं कि भाई ये ऐसा हो नहीं सकता, थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं। तो बस बहरहाल ये थोड़ी जी सर थैंक यू। और मैं इसको थोड़ा सा जॉकिंगली बोलूंगा जल्दी से कि ज्यादा अगर जब भी डेटा अगर आर स्क्वायर ज्यादा आता था तो मैं उनसे पूछता था कि वुड से लिया है या ह्यूमन बीइंग से लिया है, क्योंकि ये तो मुझे रोबोट्स का डेटा लगता है क्योंकि इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता आर स्क्वायर के। हाँ, तो वो पे डेफिनेटली उसका मतलब ये होता है कि वो सर ड्राइंग रूम में बैठ के भरा हुआ होता है, तो दिस इज द केस, या कोई रेप्लीकेट किया हुआ था लोगों ने। एनीवे, सो प्रॉब्लम आर स्क्वायर वर्सेस एडजस्टेड आर स्क्वायर इज देयर, और ये आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर का ये एक चीज कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, खासतौर पर ईवीज वाले जितने भी लोग हैं वो बड़ा आसानी से ये स्टार्टअप में भी कर सकते हैं, एसपीएस में भी कर सकते हैं, चीज करके देखिएगा दोनों में आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर को। यहाँ मुझे मौका मिल रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि दोनों वैल्यूज का मकसद क्या क्या है। होता यह है कि आर स्क्वायर जो है वो स्प्यूरियस है, स्प्यूरियस का मतलब ये एक टेक्निकल टर्म है जो इकोनोमेट्रिक्स में भी इस्तेमाल होती है लेकिन मैं इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्प्यूरियस है, स्प्यूरियस का मतलब है वो कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, कहने का मतलब है उसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो डिग्री ऑफ उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की नहीं है। खासतौर पर जितने भी लोग जो इसको कमांड लाइन से यूज करते हैं वैसे यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर, कोई एक वेरिएबल डाल के देखिए, आपका जो भी थीसिस का काम है, थीसिस के काम में जरा अपना टेलीफोन नंबर एक वेरिएबल डाल के देखिए और उसके अंदर 15, 20, 24, 25 जितने भी हैं वो टेलीफोन नंबर डाल दीजिए, कहीं से भी डेटा ले लीजिए और उसमें से डाल के देखिए और फिर देखिए आपका आर स्क्वायर इंप्रूव कर जाएगा, आप इंस्टेंटली इंप्रूव कर जाएंगे। तो द मोर यू इंक्रीज द नंबर ऑफ वेरिएबल योर आर स्क्वायर विल इंप्रूव। कई स्टूडेंट इस तरह की हरकतें भी करते हैं, पता चल जाता है, तो लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि फिर उसके बाद जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो किसी एक वेरिएबल को ऐड करने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम की एडजस्टमेंट अगर करनी हो पर वो ट्रू ऑलमोस्ट ट्रू जो है वो एडजस्टेड जो है वो आर स्क्वायर जो देता है। इसीलिए ज्यादातर पेपर में या किताबों में या इंस्ट्रक्टर्स या सुपरवाइजर्स या आपके टीचर जितने भी हैं वो सबके सब एडजस्टेड आर स्क्वायर पे जाते हैं, बिकॉज आर स्क्वायर जो है स्पूरियस, दैट मीन्स कोई भी अननेसेसरी नॉन मीनिंगफुल डेटा विद योर रिसर्च आप उसमें ऐड करते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू इंप्रूव कर देंगे। ठीक है, और एक चीज और भी है, अगर सैंपल साइज छोटा हो और वेरिएबल हो तो आप मतलब 5-6 लोगों का जब दो भी लेटर देखे थे आप देखें आर स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज्यादा शूट कर जाएगी। ठीक है, ये भी आप जरा टेस्ट करके देखिएगा, ये भी सारे वो एक्सपेरिमेंट है जो डन डाट। तो दिस इज अगेन प्रॉब्लम है आर स्क्वायर वर्सेज आर स्क्वायर इज देयर, दोनों को समझना जरूरी है। तो इसी तरह वेरिएबल का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये थॉट प्रोसेस है, जिसका सर ने अभी आइडेंटिफाई किया कि कोई भी वेरिएबल को इंक्लूड करें तो पीछे सब्सटेंशियल बैकग्राउंड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, क्यों इसको क्यों मैं इंक्लूड करूं क्यों नहीं करूं, और पीछे हिस्ट्री होनी चाहिए या उसके कोई एक आपके पास दलील अच्छी होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। हर वेरिएबल इंक्लूड नहीं करेंगे वरना आर स्क्वायर इन्फ्लेटेड आएगा, आर स्क्वायर इन्फ्लेट लाना तो मकसद नहीं है, उसका एनालिसिस करना है, कोई प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी प्रेडिक्टिव रेलेवेंस और दूसरी चीजें कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। एनीवे, so assessing को compare करते हैं तो r square और adjusted को दोनों मिला के भी देख रहे होते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि r square ज्यादा है और adjusted कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो variable काम की चीज है, और अगर ज्यादा परफॉर्मेंस तो that means कि it's a spurious, तो spurious आपने ऐसी ही कुछ डाल दिया, तो ये भी हम देख रहे होते हैं। अच्छा सर, this is something new I've learned, ये मुझे इसका अंदाजा नहीं था, so thank you very much, thank you, this is good।
So step four, assessing F square effect size, assesses how strongly an exogenous construct contributes to explain a certain endogenous construct in terms of R square. So this is again, बात वही चीज़ है, हम इसको different अंदाज में, different parameter, different scenario, different software, different algorithm, इन सब में एक उसकी protocol को follow करते हुए बात वही कर रहे हैं कि या predictive relevance या एटलीस्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा जो है वो ज्यादा असर कर रहा है, किस कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका फॉर्मूला अगेन एफ स्क्वायर आर स्क्वायर इंक्लूड आर स्क्वायर में इंक्लूड करेंगे, फिर उसके बाद आर स्क्वायर यानी एंडोजेनस वेरिएबल को एक्सक्लूड करेंगे और फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। दूसरे लफ्जों में थंब रूल क्या है कि 0.02, 0.15 और 0.35 स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, मॉडरेट इफेक्ट है और वीक इफेक्ट है। मैंने एफ स्क्वायर का एक्सप्लेन आपको पहले भी किया कोहेन का, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इसको इस तरह ही लेंगे। और फिर मैंने जिसना बताया था कि वो डिपेंड करता है कितना बारीक बीनी से देखते हैं, लेकिन यहाँ बारीक बीनी उस अंदाज में नहीं हो रही है फिलहाल, यहाँ डिफरेंट बात है उसी अंदाज में, लेकिन फिलहाल हम उसको इसी तरह ही लेंगे। ओके, आर स्क्वायर इंक्लूडेड एंड आर स्क्वायर एक्सक्लूडेड आर दी आर स्क्वायर वैल्यूज ऑफ एंडोजेनस लेटेंट वेरिएबल। एंडोजेनस लेटेंट वेरिएबल की वैल्यूज है व्हेन अ सिलेक्टेड एक्सोजेनस वेरिएबल इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मार्केट। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊंगा भी आपको, आपको सिर्फ अभी दिखा के हम इस पर देखेंगे कि एंडोजेनस यानी जो भी जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल में आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसको मद्देनजर रखना है। लेकिन ये आएगी किस वजह से कि जब हम जो है दो वैल्यूज आएंगी, जब किसी एक इंडिपेंडेंट को इंक्लूड कर देंगे यानी इंडिपेंडेंट एक्सोजेनस वेरिएबल को इंक्लूड कर देंगे तो इंक्लूडेड वाली वैल्यूज, और फिर जब उसको हटा देंगे उसके बगैर मॉडल रन करेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको नोट करेंगे। और ये कहां से होगा, ये जाहिर है वो आपको पता है ब्लाइंड फोल्डिंग से। तो द चेंज इन आर स्क्वायर वैल्यू, फिर कैलकुलेट करेंगे कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - r² इंक्लूड, वो चेंज इन आर स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट बाय एस्टिमेटिंग द पीएलएस मॉडल ट्वाइस, दो मरतबा हम इसको मॉडल को करेंगे। क्या फर्स्ट टाइम द एक्सोजेनस लेटेंट वेरिएबल इंक्लूडेड, जिस तरह मैंने अभी बताया, ये हो जाएगा यील्डिंग आर स्क्वायर। एक्सोजेनस वेरिएबल का मतलब है जो जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान हम कर रहे हैं, अच्छा। एंड सेकंड टाइम विद एक्सोजेनस लेटेंट वेरिएबल एक्सक्लूडेड नथिंग, दैट मींस सॉरी नोटिंग आर स्क्वायर एक्सक्लूडेड, दोनों की वैल्यूज को दो मरतबा हम रन करेंगे और रन करने के बाद हम इसकी वैल्यूज को जाहिर है और दोनों की मतलब तस्वीर ले लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। ये देखें, तीन कंस्ट्रक्ट हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे जा रहे हैं, एक्सो वन, एक्सो टू, एक्सो थ्री, के फिलहाल एक्सोजेनस मैंने लिखा हुआ है और ये कंस्ट्रक्ट है, ये आइटम्स नहीं है, ठीक है। और आइटम नहीं है तो लिहाजा इसमें ना ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये रिफ्लेक्टिव है, ये फॉर्मेटिव। रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव जो है वो लेटेंट वेरिएबल के दरमियान जो एरोज है उनके दरमियान नहीं कंसिडर करते। रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव में इंडिकेटर्स और उस इंडिकेटर के रिस्पेक्टिव लेटेंट वेरिएबल है उसके दरमियान एरोज को रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव की शेप को कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिएगा। तो और आर स्क्वायर इंक्लूडेड इज इक्वल टू फुल मॉडल ऑल एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस कंस्ट्रक्ट को मैंने कैलकुलेट कर लिया सारों को, दूसरे लफ्जों में इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया। मैं अब एग्जांपल सिर्फ अभी यहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पे हमने मैंने सारों को इक्वल कर लिया, ये इंक्लूडेड हो गया, ठीक है। मैं इसको रन करूंगा, सॉरी ये इंक्लूडेड हो गया। फिर उसके बाद मैं लेट से मैं ये वाला वेरिएबल निकाल देता हूँ और ये कनेक्शन निकाल देता हूँ, फिर ये वाला रहने देता हूँ। जब ये रहने देता हूँ तो फिर फिर कैलकुलेट करूंगा आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या वैल्यू आती है आर स्क्वायर की, ठीक है। तो वो उसको समझने की जरूरत है, ओके। और फिर वो जो तो दैट मींस के एक मत इसको इंक्लूड करके किया मैंने तो वो फिर हो जाएगा ये, फिर इसी तरह से इसको इंक्लूड कर और एक्सक्लूड करके कर दिया वो हो जाएगा, फिर इस तरह से इसको इंक्लूड एक्सक्लूड कर देगा। तो ये एक्चुअली ये वाला रिलेशनशिप मुझे देखना है आर स्क्वायर, यहाँ पे मैं देखूंगा दिस इज द केस, इज फाइन। इसी तरह एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे बहुत ब्रीफली बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कोशिश की समझाने की कि एक्सो की वेरिएबल का आर स्क्वायर इंक्लूडेड यहाँ पे वो ले लिया, सॉरी एक्सो वन एक्सो टू यानी ये सारे एक्सोजेनस वेरिएबल है, ये समझे कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। और ये तीनों जो है इस वाले बीच में आ रहे हैं, लेट्स से कस्टमर साइड इधर आर स्क्वायर आएगा इधर आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेट से पहला तीन हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी हटा दे, लेकिन मैंने पहला तीन हटा दिया। जब तीन हटा दिया तो मैंने फिर इसको रन किया, तो फिर रन करने के बाद मैं आर स्क्वायर लूंगा। तो अब आप देखिए गौर से आर स्क्वायर इंक्लूडेड हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी इसका असर एंडोजेनस यहाँ पे, इधर मैं नहीं नोट कर रहा हूँ, मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंडोजेनस इस पे हो गया, तो इस पे जब एंडोजेनस होगा तो मैं एक मरतबा कैलकुलेट करूंगा आर स्क्वायर इंक्लूडेड,
फिर आर स्क्वायर एक्सक्लूडेड चेक करूंगा, फिर आर स्क्वायर, फिर दोबारा, फिर इसको गायब करूंगा जिस तरह मैंने यहाँ भी किया, इसको डिलीट करूंगा, इसको डिलीट करने के बाद मैं ये करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जब ये तीन मरतबा मैं कर लूंगा तो हर मरतबा आर स्क्वायर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड आएगा विद एक्सो वन, एक्सो टू, एक्सो थ्री और इसके ऊपर आएगा। फाइन, फिर इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं रिपोर्ट इस तरह से कर दूंगा। देख लीजिए एक्सो वन एक्सो थ्री मैंने पहले किया था, फिर एक्सो टू किया, फिर एक्सो वन किया। एंडोजेनस कौन सा एटीट्यूड मैंने लिखा कि एंडोजेनस कौन सा है, ठीक है। तो जब मैंने लिखा एंडोजेनस कौन सा है तो जा रहा है उस पर ज्यादा जो एरोज आ रहे थे, तो वाला एंडो मेरे केस में क्या होगा, मेरे वाले केस के अंदर जो है वो आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। इसके अंदर दो एरो आ जाए तो मैं दो मरतबा करूंगा और ठीक है, ये वाला जो है वो उसको इंटरक्शन वहां से होती नहीं। ओके फाइन, देन ओके, देन एफ स्क्वायर की वैल्यूज का इफेक्ट साइज कैलकुलेट किया, और एफ स्क्वायर की कैलकुलेट करने के बाद जो है देन वी टेक द वर्डिक्ट के जो है वो हम इसको यहां से जो आर इसको जो वैल्यू थी वो हमने इसको देखी। अब वैल्यूज कैसे देखी थी, मिसाल के तौर पर यहाँ से ये क्राइटेरिया थंब रूल चेक कर लें, 0.02, 0.15 और एफ स्क्वायर ग्रेटर देन 0.35, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, मॉडरेट इफेक्ट और वीक इफेक्ट, ठीक है। तो 0.02, 0.15, 0.35 ये आमतौर पर ये कोहेन की ही डिफाइन की हुई वैल्यूज है, ठीक। तो यहाँ पे 0.02 उससे भी कम या उससे ज्यादा, तो ये वीक और मॉडरेट के दरमियान है 1, 2, 3, और फिर ये भी दूसरे वाला भी वीक और मॉडरेट के दरमियान है, लेकिन 0.15 से ज्यादा है तो एक्चुअली वो स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग के दरमियान है 1, 2, 1। तो ये उसका इफेक्ट साइज, और ये उसका जो है, अब इफेक्ट साइज क्यों निकालते हैं मैं फिर जल्दी से आपको वो स्लाइड की वो चीज दिखाता हूँ। आप इसमें देखिए असेस हाउ स्ट्रॉन्गली एन एक्सोजेनस कंस्ट्रक्ट कॉन्ट्रीब्यूट, यानी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है और कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम कह सकते हैं कि एक्सो थ्री और एक्सो टू जो है वो वीक टू मॉडरेट और जो है वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है और उसको स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्सो वन जो है दैट इज मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग, उसका इफेक्ट आ रहा है और वो स्ट्रॉन्गली और वो कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रॉन्गली कर रहा है उसके अंदर पूरे मॉडल में, किसमें, वेरियंस ऑफ द एंडोजेनस जो वेरिएबल है उसके अंदर। अब ये दीज आर द वेज टू एक्सप्लेन के वट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है, कौन किसके जरिए, सारे याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल मॉडल की, तो स्ट्रक्चरल मॉडल को ही हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि ये इंटरेक्शन, ये स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप हो कैसे रही। ओके, देन देयर आर असेसिंग क्यू स्क्वायर, ब्लाइंड फोल्डिंग को यूज करते हैं, क्यू स्क्वायर के अंदर भी जो है वो छोटा क्यू स्क्वायर, अगेन बात वही मैंने की थी कि जब क्यू स्क्वायर की कैलकुलेशन में रेफरेंस करेंगे तो छोटा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्चुअली इट टर्न्स इनटू द एनालॉगस टू इफेक्ट साइज एफ स्क्वायर आएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसको यहाँ की टर्मिनोलॉजी में प्रेडिक्टिव रेलेवेंस में इसको क्यू स्क्वायर से आइडेंटिफाई किया ताकि वो डिफरेंशिएट हो, और इसकी वैल्यूज भी वही हैं अगर आप गौर से राइट साइड पे देखें तो वो कोहेन की डिफाइन की हुई है, जस्ट मैटर के इस आगे टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। तो द इफेक्ट साइज क्यू स्क्वायर अलाउज असेसिंग ईच एक्सोजेनस कंस्ट्रक्ट प्रेडिक्टिव रेलेवेंस फॉर अ सर्टेन एंडोजेनस कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पे भी वही कैलकुलेट ब्लाइंड फोल्डिंग के जरिए कैलकुलेट करेंगे, प्रोसीजर क्या है, बिफोर यूजिंग ब्लाइंड फोल्डिंग कैलकुलेट सीवीआर क्रॉस वैलिडेटेड रिडंडेंसी ऑफ एंडोजेनस। Again, this is something a little bit more, or जो इसमें let me put okay, like this time, before using blind folding, calculate CVR cross validated redundancy of endogenous latent variable, and इसको पहले calculate करना जरूरी है, cross validated redundancy। अच्छा, cross validated redundancy, ये नीचे अगर आप देखें तो result, final results of cross validated redundancy blind folding के बाद आएगा। okay, चलें एक टेस्ट करके देखते हैं, फिर वैसे ही एग्जांपल में बात करें, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगर पीएलएस एल्गोरिथम में जाएं तो क्रॉस वैलिडेटेड कहीं आ रहा है या पीएलएस में नहीं आ रहा है, सिर्फ हम चेक कर रहे हैं, ठीक है जी। बूटस्ट्रैपिंग में देख लेते हैं कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके चले वापस मॉडल में आए और कैलकुलेट किया और ब्लाइंड फोल्डिंग पे हम आए, ब्लाइंड फोल्डिंग पे आए, आमतौर पर ओमिशन डिस्टेंस को 7 ही रहने दें, ज़्यादातर यहाँ पे भी मेंशन हुआ है लेकिन रहने दें, और वो डिस्टेंस डी है वो पॉइंट अगेन वो डी फिलहाल कैपिटल से उन्होंने शो किया, लेकिन बाल ठीक है, दैट्स ओके। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करें तो नीचे टेबल आ गया, टेबल आ गया तो नीचे फाइनल रिजल्ट में कंस्ट्रक्ट क्रॉस वैलिडेटेड रिडंडेंसी, फिर इंडिकेटर क्रॉस वैलिडेटेड रिडंडेंसी। सो यही चीज़ है, अब इसको यहाँ स्लाइड से देख ले, तो यहाँ पे है क्रॉस वैलिडेटेड रिडंडेंसी ऑफ एंडोजेनस लेटेंट वेरिएबल, लेटेंट मींस कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और फिर उसका ओमिशन डिस्टेंस थंब रूल जो है वो इज इक्वल टू 5 ग्रेटर देन और
लेस इक्वल टू 10 रख सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी कि वो उसको वैल्यू दूसरी रख के होगा क्या और क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल आमतौर पर 7 जो बाई डिफॉल्ट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट द नंबर ऑफ केसेज इन योर डेटा मस्ट नॉट बी अ मल्टीपल इंटीजर ऑफ ऑर्मेशन डिस्टेंस डी 7। अब वो 7 का मल्टीपल ना हो, मिसाल के तौर पर वो 21 ना हो, मल्टीपल 21 ना हो, 7 के टेबल में 70 ना हो डेटा, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये भी उन्होंने आई थिंक कैलकुलेट रिसर्च पेपर मुझे इस वक्त याद नहीं है जिसमें उन्होंने कैलकुलेट करके बताया था, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि वो होता है, आमतौर पर लोग रखते नहीं है, लेकिन वो ठीक है, एक एहतियात रखने की जरूरत है। यूज ऑफ सम स्क्वायर्स टू कंप्यूट प्रेडिक्टिव सम ऑफ स्क्वायर्स, प्रेडिक्टिव एंड इंटरप्रेट CVR, CVR को इंटरप्रेट करें। फिर यहाँ पे ब्लाइंड फोल्डिंग, यूज ओमिशन डिस्टेंस डिफॉल्ट वैल्यू, फिर क्रॉस वैलिडेटेड रिडंडेंसी, अब इसको हम जाके चेक करते हैं, ठीक है, क्रॉस वैलिडेटेड कंस्ट्रक्ट रिडंडेंसी, ठीक है जी। ये यहाँ पे आ गया, ये कोई स्क्वायर की वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ई, सम ऑफ स्क्वायर्स और रिमेंबर ओरिजिनल, अब यहाँ पे ओरिजिनल वो तो खैर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड है एक्चुअली ये काई स्क्वायर वाले फॉर्मूले से रिलेटेड। तो ये कैलकुलेटर है CXX 0.266 और 0.404। अब यहाँ पे ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आया, ये क्रॉस वैलिडेटेड रिडंडेंसी में। अब हम आगे चलते हैं, और ये उन्होंने ये Q square included, अच्छा ये अब क्या होगा इसके अंदर वही मैं, ये तो मैंने सिर्फ अभी आपको बताया कि पढ़ना कहाँ से है, लेकिन करना कैसे है, करना यही है कि आपको इस मरतबा अभी अपने लेटेंट कंस्ट्रक्ट को हर एक को बारी बारी रिमूव करना है, रिमूव करने से पहले और रिमूव करने के बाद, रिमूव करने से पहले और रिमूव करने के बाद आपको ये वैल्यूज जो है आपको लिखनी है, और फिर लिखने के बाद आपने फिर यहाँ पे भी जो सिर्फ ब्लाइंड फोल्डिंग के इस मरतबा आप जो है वो वैल्यू ले लेंगे। इसीलिए क्यू स्क्वायर इंक्लूडेड अगर आप देखें, क्योंकि जा रहे वो तीनों में तो एक ही वैल्यू वो होंगे, तो 3.3 आर स्क्वायर आया हुआ है और एक्सक्लूडेड का डिफरेंस है, और फिर डिफरेंस जो है वो प्रेडिक्टिव प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंस वो जो है वो आप तौर पर उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कितना है, और वो यहाँ पे वही वैल्यूज हैं जो एफ स्क्वायर की है कि वीक इफेक्ट है, मॉडरेट इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। वेल दिस इज समथिंग सुविधा। अच्छा असेसिंग गुडनेस ऑफ इट, ये दिस इज वन ऑफ द वेरी लास्ट स्लाइड्स नाउ, क्योंकि ये आमतौर पर दिया हुआ है, इस पर ज़्यादा एफर्ट नहीं है, अभी पेपर भी नहीं लिखे गए, बहुत सारा काम कम हुआ हुआ है, लोग इस पर काम कर रहे हैं अभी। और SRMR स्टैंडर्डाइज रूट मीन रेजिडुअल है, और NFI है नॉर्म फिट इंडेक्स, और ये दोनों की वैल्यूज जो है वो SRMR की जो है वो ऑब्जर्व कोरिलेशन माइनस मॉडल इम्प्लाइड कोरिलेशन जो है वो गुडनेस फिट है, उसकी वैल्यू 0.08 है, लेस देन 0.08 है। ये वही RMSEA है, अगर पास लोग CBSEM से यूज टू हैं, AMOS सॉफ्टवेयर के अंदर वो रन होता है, तो वो अगर 0.08 से ज़्यादा वैल्यू हो, 0.08 और मीडियोकर है, वेरी लुडिक्रस, तो अदरवाइज 0.08 से कम, 0.06 से भी कम होनी चाहिए, 0.04 तक हो तो बहुत ही अच्छी वैल्यूज है, लेकिन 0.08 से कम होनी चाहिए। दिस इज वन एरिया, इट असेस द एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड कोरिलेशन एज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ मॉडल फिट क्राइटेरिया, के मॉडल कितनी तरह से फिट है। ये बिल्कुल इस तरह समझ लें कि एक हाइपोथेटिकल रिजल्ट, अगर मॉडल का जो डेटा लेते हैं वो है, और रियलिटी में जो डेटा, क्या दोनों आपस में एक दूसरे में फिट होते ही नहीं होते। तो मैं जो डेटा ले रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जो लोग बोल रहे हैं, जो डेटा मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली उनके जहनों में ऐसा ही है जो मैच हो रहा है, या आमतौर पर थ्योरेटिकली ऐसा है, तो दोनों को मैच करते हुए जब हम देखते हैं, तो फिर उसके बाद वो जो डिस्क्रिपेंसी है वो उसको बताता है कि कितनी डिस्क्रिपेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये अंदाजा ना, अब ये दिस इज अगेन एन ऑब्जर्व्ड एस्टिमेट, इसलिए ऑब्जर्व्ड और एस्टिमेटेड है, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा क्लियर कर चुका हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम रिग्रेशन की थोड़ी सी बात की। नॉर्म फिट इंडेक्स कंप्यूट द काई स्क्वायर वैल्यू ऑफ प्रपोज्ड मॉडल एंड कंपेयर्स अगेंस्ट द मीनिंगफुल बेंचमार्क ऑफ काई स्क्वायर वैल्यूज ऑफ नल मॉडल। नल मॉडल का मतलब है नथिंग इज इंक्लूडेड, और कुछ भी उसके बेंचमार्क से, तो ये ग्रेटर शुड बी ग्रेटर देन 0.9। और ये बेंटलर और बॉनेट, अगेन वन ऑफ द वेरी गुड ऑथर्स इन स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, और इनकी बड़ी अच्छी जो है वो बेंटलर और बॉनेट की पेपर में डायरेक्शन है, और जो CBSEM में तो बहुत ही जरूरी है, इनको कोट किए बगैर बहुत सारी चीज़ों में आप नहीं कोट कर सकते। 1990 का पेपर है, बाबरा बर्न की किताब में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस हुआ है, बाबरा बर्न के 7 चैप्टर 7 से 8 चैप्टर हैं बहुत ज़बरदस्त AMOS के ऊपर, तो उन्होंने वो डिस्कस किया, वो सेकेंड एडिशन उसका आ चुका हुआ है, तो दैट्स गुड। तो दैट्स इट, एंड
that's it from my side, sir. So mediation and other advanced analyses are in the offering book. That's again, I have thoda sa idea to diya lekin but okay. This is so far. Thank you very much, sir, for an opportunity. Thank you. और बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने इतने लंबे अरसे तक इनको जो है स्टूडेंट्स को भी एंगेज रखा और बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है. हमको इतने इतना इतने लेंथी प्रेजेंटेशन में जो है लोग जो है फिर बोर भी हो जाते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से इंटरेस्ट लेवल बढ़ा के रखा इस पूरी क्लास को ऑलमोस्ट और एंड तक फोर आवर्स प्लस होगी. तो आई वाज थिंकिंग कि मे बी जो है हम इसको बीच में, लेकिन ये कि आपने पूरा इसको कवर किया. थोड़ा सा चीजें मेरे ख्याल से शायद और थोड़ी सी इसमें एक्सप्लेन हो जाती हैं मे बी नेक्स्ट सेशन में. एक तो एक मीडिएशन जो है उसके जो टेबल स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट का टेबल है उसको आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, और मॉडरेशन अगर है मॉडल के अंदर तो वो मॉडरेटिंग इफेक्ट इंटरप्रेट किया जाएगा, फिर उसका जो ग्राफ है उसकी इंटरप्रिटेशन कैसी है. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल से अभी इसमें रह गई हैं, तो वो मे बी हम इसको कुछ दिन जी सर बिल्कुल बिल्कुल मे बी एक क्लास में हम उसको कर लेंगे या ये कि उससे पहले थोड़ा सा भी कर सकते हैं, यानी वो चीज मेन उसमें रह गई. इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो है वो मल्टी ग्रुप एनालिसिस भी कर रहे हैं, तो उस वो भी इसमें है, तो थोड़ा सा हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं. बिल्कुल, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा वो इन तीनों चीजों के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि बिकॉज़ मेरे पास की प्रेजेंटेशन तैयार नहीं है और मैं सिर्फ एक बगैर प्रेजेंटेशन के भी या रफली कैलकुलेट अल्फाज ज्यादा है, रिकॉर्ड कुछ नहीं होगा, मजा नहीं आएगा. इसमें हम सिंपल सा ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ पीएलएस के अंदर ही ना टेबल्स को देखते हुए और तो वो भी काफी है स्टूडेंट्स में भी कोई ऐसा, तो वो अब ये कि इस ये थोड़े से कुछ रह गए इसके अंदर ना, तो बाकी माशाल्लाह मतलब ऑलमोस्ट कवर ही है ऑलमोस्ट. तो अब ये किस दिन करना है क्या करना है वो भी डिसाइड कर लेते हैं. मुझे कम से कम हाँ इफ यू नीड टाइम तो हम जो है या तो ट्यूजडे वेडनेसडे भी रख सकते हैं बीच में एक सेशन. तो वेंसडे के बाद अगर रख लें वेंसडे मुझे दिन दे दिए, क्योंकि पहले दो दिन क्लासेस होती है ना सर. तो हाँ सही सही जी जी तो सैटरडे ज़्यादा सही रहेगा. चलें तो नेक्स्ट सैटरडे रख लेंगे. चलें ठीक है फाइन सर फाइन. मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोग इस प्रोसेस में हो तो उनका, लेकिन ये कि नेक्स्ट सैटरडे तक रख लें, क्योंकि मेजर लोगों का जो प्रॉब्लम जो मेजर है वो तो मेरे ख्याल से उन्होंने सॉल्व हो गए हैं. अब ये कुछ सारी बात है मीडिएशन की इंटरप्रिटेशन में इनको प्रॉब्लम होती है, मॉडरेशन में होती है, दो चीजें रह गई हैं, तो चलें वो देख लेंगे. नहीं नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल था इंशाल्लाह. हां जी सर हां.